दोस्तों ये है रतन टाटा जी का घर, जो कि मुंबई के कोलाबा में है और एक सी फेसिंग बंगलो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी हम आ पहुंचे हैं मुंबई के कोलाबा इलाके में और अभी हम खड़े हैं बेबी डे गार्डन में। दोस्तों आपको बता दें, कोलाबा में हमारे भारत के बिलियनर्स का घर है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं का घर दिखाने वाले हैं। आपको बता दें, मुंबई के कोलाबा में मुकेश अंबानी जी के भाई अनिल अंबानी जी का भी घर है और साथ में रतन टाटा जी का भी घर। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रतन टाटा जी का घर। दोस्तों आपको बता दें, रतन टाटा जी कई चैरिटी चलाते हैं, मतलब अपने पैसे को दान में देते हैं और बहुत ही अच्छे और नेक इंसान भी हैं। उनको पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पसंद करती है। तो सभी लोगों ने तो यहाँ पे मुकेश अंबानी जी का घर देखा ही होगा, उनके नेटवर्थ के बारे में, उनके घर के प्राइस के बारे में सुना ही होगा कि एंटीलिया हाउस कितना ज़बरदस्त है, 15,000 करोड़ से बनवाया गया है। लेकिन आज हम आपको रतन टाटा जी का घर दिखाएंगे कि रतन टाटा जी का घर कैसा है और उसकी प्राइस क्या है और रतन टाटा जी की कमाई कितनी है, वो एक दिन में कितना कमाते हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी जी एक दिन में 34 करोड़ कमाते हैं, तो रतन टाटा जी कितना कमाते हैं और रतन टाटा जी भारत के और दुनिया के किस नंबर के सबसे रिचेस्ट मैन है, ये भी हम आपको बताएंगे। यानी आपको रतन टाटा जी के घर के साथ साथ उनके बारे में सब कुछ बताने वाले हैं कि उनकी कमाई कितनी होती है और मतलब वो कितने अमीर हैं, सब कुछ बताऊँगा गाइस। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम मौजूद हैं बेबी डे गार्डन यानी सागर उपवन गार्डन में और हमारे पीछे है समुद्र और इसी के जस्ट बगल में है रतन टाटा जी का घर। तो चलिए अब देर ना करते हुए चलते हैं, सीधे उनके घर का वीडियो बनाते हैं और आपको सब कुछ बताते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी फॉलो कर लो यार। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं रतन टाटा जी के घर के पास और ये जो पूरा का पूरा इलाका आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा इलाका सी फेसिंग इलाका है जहां से अरब सागर पूरा दिखता है। और ये आपको व्हाइट कलर का जो बंगलो दिख रहा है ना, ये रतन टाटा जी का नया बंगलो है जिसमें रतन टाटा जी अभी रहते हैं और इस बंगलो को 2015 में बनवाया गया था। आपको बता दें, इससे पहले रतन टाटा जी का घर जस्ट इसी के बगल में एक बहुत ही बड़ा और बंगलो है और एक बिल्डिंग है, उसमें रहते थे। लेकिन अब रतन टाटा जी इसी बंगले में रहते हैं। ये जो आप लोग घर देख रहे हो, ये 3 मंजिला घर है और ये 14,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है और इस बंगले की प्राइस 150 से 200 करोड़ रुपए है। पीछे आप लोग देखिए, यहाँ पर छोटा सा गार्डन टाइप में एरिया बनाया गया है जहाँ पर जाली से चारों तरफ घेरा गया है और इस घर को बाहर से भी और अंदर से भी व्हाइट कलर से पेंट किया गया है, जो एक शांति का प्रतीक है। और रतन टाटा जी के इस बंगले में ना सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। फर्स्ट फ्लोर पे अलग तरह से डिजाइन किया गया है, सेकंड फ्लोर पे अलग तरह से डिजाइन किया गया है, थर्ड फ्लोर पे भी अलग तरह से सब कुछ डिजाइन किया गया है। अभी हम आपको अच्छे से बताएंगे कि रतन टाटा जी के घर में कौन कौन सी फैसिलिटी है और क्या क्या है। आपको तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कहाँ पर मुकेश अंबानी जी का घर जो है वो 15,000 करोड़ का है, उनके भाई अनिल अंबानी का 5,000 करोड़ का है और रतन टाटा जी का सिर्फ 150 करोड़ का है। तो गाइज हम आपको बता दें, जो रतन टाटा जी हैं ना, इनका जो दिल है वो बहुत ही नेक और ये ईमानदार व्यक्ति हैं, इनसे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यही वजह है कि ये भी आम लोगों से प्यार करते हैं, गरीबों से प्यार करते हैं और अपने पैसे को चैरिटी में यानी गरीबों की मदद के लिए लगाते हैं, तो इसी की वजह से रतन टाटा जी ऐसे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इनके जीवनी से लेकर इनके घर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको हम सब कुछ बताएंगे। तो देखिए, इनके बंगले में पीछे ना पूरा का पूरा कांच का यूज किया गया है और छत पे एक अच्छा सा टेरेस बनाया गया है जहाँ पर ये अक्सर बैठते हैं और अरब सागर की जो सुंदर सी हवाएं चलती हैं उसका आनंद भी उठाते हैं। अभी जो रतन टाटा जी हैं वो करीब 85 से 86 वर्ष के
हो चुके हैं। तो ये जो इलाका है ना, ये बहुत ही महंगा इलाका है। आसपास आप लोग बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे होंगे, महलनुमा हवेलियां भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये जो हवेली बनाई गई है, ये रतन टाटा जी के सुरक्षा और इनके रिटायर को देखते हुए बनाया गया है कि ये आराम से अपनी ज़िंदगी यहाँ पर जी सकें और इन्हें शांति रहे। दोस्तों, रतन टाटा जी के इस घर का नाम केबिन्स है। और ये जो आप लोग वाइट कलर का हवेली देख रहे हैं ना, ये 3 मंजिला इमारत है और इस हवेली में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर देखिए, ये अरब सागर का पूरा इलाका यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, जब आप लोग जो ये सागर उपवन है इसके आगे आओगे, तो यहाँ पर आपको नेवी का, जैसे नेवी लोगों के रहने के लिए जो स्थान बनाए जाते हैं, वो भी देखने को मिलेंगे। ये जो आपको घर दिख रहा है ना, यहाँ पर इंडियन नेवी के लोग रहते हैं, आर्मी लोग रहते हैं। और देखिए, यहाँ पर पूरा बोट ही बोट चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। यही सब नज़ारे जो हैं यहाँ पर सभी लोगों को लुभाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, अरब सागर पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है और कितना शानदार ये जगह है, ये एरिया है। दोस्तों, रतन टाटा जी के चाहने वाले लोग पूरी दुनिया में है। कई सारे लोग उन्हें अपना आइडल भी मानते हैं। रतन टाटा जी का ये घर बहुत ही सिंपल सा है। करोड़पति होने के बावजूद भी जो उनका रहन सहन है ना, वो काफ़ी साधारण है। ये घर सी फेसिंग है। घर को पूरा सफ़ेद कलर से पेंट करवाया गया है और 3 मंजिला ये घर कोलाबा पोस्ट ऑफिस के अपोजिट है। और इस घर के सबसे ऊपर यानी टॉप पर एक पुल भी है। घर में शीशे की खिड़कियां हैं। इस बंगले को रतन टाटा जी ने खुद अपनी ज़रूरतों के मुताबिक बनवाया है। रतन टाटा जी के इस घर में सबसे ग्राउंड फ्लोर पर एक बहुत ही बड़ा बैठक रूम, एक रसोई घर और एक अध्ययन घर है और एक लाइब्रेरी है, जहाँ पर रतन टाटा जी अक्सर किताबें पढ़ते हुए नज़र आते हैं। और ये सारी सुविधाएं पहली मंजिल यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर हैं। और वहीं दूसरी मंजिल में एक आधुनिक मीडिया रूम, एक बेडरूम और उनका निजी व्यायामशाला भी है, जहां पर ये 85 साल की उम्र में व्यायाम करते हुए भी दिखाई देते हैं। और सबसे ऊपर यानी तीसरे मंजिल में एक इन्फिनिटी पूल, एक बार और एक सन डेक है, जहाँ पर करीब 50 से 60 लोग आराम से आ सकते हैं, जो पूरी मंजिल पर बना हुआ है। बंगले के बेसमेंट में करीब 15 कारों के लिए और सर्वेंट क्वार्टर और पार्किंग की जगह दी गई है। रतन टाटा के पास डसाल्ट फाल्कन 2000 प्राइवेट जेट भी है। फ्रांसीसी इंजीनियरों द्वारा बनाए हुए इस जेट की कीमत करीब $30 मिलियन यानी कि 224 करोड़ रुपए बताई जाती है। रतन टाटा जी ट्रेंड पायलट हैं और वो अपने इस प्लेन को खुद भी उड़ाते हैं। और इसके अलावा इनके पास मासेराती क्वाटोप्रोटे भी रतन टाटा जी के पास है, जिसकी कीमत करीब 2.11 करोड़ रुपए बताई जाती है। वहीं पर इनके पास मर्सिडीज बेंज एस क्लास भी है, जिसकी प्राइस 1.62 करोड़ रुपए है। रतन टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के सेवामुक्त चेयरमैन हैं। वे सन 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे। 28 दिसंबर सन 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, लेकिन वे अभी भी टाटा समूह के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। वह टाटा ग्रुप के सभी प्रमुख कंपनियों जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज के भी अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ और समूह का राजस्व भी कई गुना बढ़ाया है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिन्हें नवजबाई टाटा ने अपने पति रतन जी टाटा के मृत्यु के बाद गोद लिया था। जब रतन टाटा 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के थे,
तभी उनके माता पिता यानी कि नवल और सोनू 1940 के दशक में एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा द्वारा किया गया। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम नोएल टाटा है। दोस्तों आपको बता दें कि टाटा ग्रुप 100 कंपनियों के साथ पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें टाटा चाय, 5-स्टार होटल, स्टील, कार और हवाई जहाज शामिल है। आपको बता दें कि रतन टाटा को पालतू जानवर रखना काफ़ी पसंद है, इसलिए उन्होंने अपना मुंबई वाला बंगला जिसकी कीमत 400 करोड़ है वो पालतू कुत्तों की देखभाल के लिए दिया हुआ है। साथ ही उन्हें प्लेन उड़ाने का भी शौक है जिसका उनके पास लाइसेंस भी है। रतन टाटा का काम करने का तरीका एकदम अलग है, इसलिए उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी भी उनके साथ काम करना काफ़ी पसंद करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि टाटा में काम करना सरकारी नौकरी से कम नहीं है। रतन टाटा ने अपने ग्रुप को 21 साल दिए और आपको बता दें कि इन्हीं 21 सालों में उन्होंने अपनी कंपनी को शिखर तक पहुंचा दिया, इसलिए आज के समय में इस कंपनी की वैल्यू करीब 50 गुना बढ़ गई है। इस बात को हर कोई बहुत अच्छे से जानता है कि 2008 में मुंबई में हुए 26/11 हमले में ताज होटल में जितने भी लोग घायल हुए थे उन सबका इलाज रतन टाटा जी ने ही कराया था। और इतना ही नहीं, 26/11 के हमले में होटल के आसपास जो लोग भी दुकान या ठेला लगाते थे उनकी मदद के लिए भी टाटा ग्रुप आगे आया था और उन्होंने उनको मुआवजे के तौर पर मदद भी की थी। गाइस, जिससे साफ जाहिर होता है कि रतन टाटा जी कितने नेक इंसान थे। वो अपने पैसों को बढ़ाना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे जितना भी पैसा हमारा बढ़े वो गरीबों की मदद में लगे, और इसीलिए उनको पूरी दुनिया प्यार करती है। आपको बता दें, अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों के मार्केट वैल्यू की बात करें तो एक अनुमान के हिसाब से जितनी उनकी कंपनियां हैं उनकी मार्केट वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए होंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 117 बिलियन डॉलर यानी कि करीबन 8.25 लाख करोड़ है। रतन टाटा इसमें से 65% पैसा लोगों की मदद करने के लिए दान देते हैं। यही कारण है कि वो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं है, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि रतन टाटा जी जो कह लीजिए गरीबों के मसीहा हैं, उनका घर कैसा है, उनका बंगला कैसा है, और इसमें खास जो भी है वो मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि स्विमिंग पूल, मीडिया रूम, बेडरूम, जो आम बिजनेसमैन या आम लोगों के घरों में होता है। इनका घर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जैसा इतना लग्जरियस नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी कमाल का है। देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ किस तरह से इनके घर को बनाया गया है और वाइट कलर से पेंट किया हुआ है, जिसे लोग शांति का प्रतीक भी मानते हैं। तो इस वीडियो में गाइज हमने आपको रतन टाटा जी के घर के बारे में और घर को दिखाया है, और साथ में इनके बायोग्राफी के बारे में भी बताया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रतन टाटा जी कितने अच्छे हैं। अगर आप लोग इनके घर पे आना चाहते हैं, मतलब इनका घर देखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले CST आना होगा। वहाँ से आप लोग 3 नंबर की बस पकड़ के कोलाबा आज़ाद नगर मच्छी मार्केट आइए। वहाँ से आपको 100 मीटर पैदल चलना पड़ेगा, आपको मिलेगा आगे बेबी डी गार्डन यानी कि सागर उपवन, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। गाइस, जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में नए एक्टर्स या नए बिलियनर्स के घर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।